भारत के स्टार तेज गेंदबाज को जब नई बॉल थमाई जाती है वो स्विंग करते हैं, पुरानी बॉल दी जाती है तब रिवर्स स्विंग से बल्लेबाज को हैरान करते हैं और 140 किलोमीटर की स्पीड की बाउंसर से बल्लेबाजों के हौसलों को परस्त कर देते हैं। जी हाँ, ये है भारत की पेश सनसनी मोहम्मद शमी। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी ने भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे धोनी और शमी दोनों के ही फैन गदगद हो गए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने भी महेंद्र सिंह धोनी की जमकर सराहना की थी और वो भावुक भी हो गए थे। शमी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और मेरे बीच का रिश्ता बहुत ही नजदीकी और भावुकता भरा रहा है। 25 साल के तेज गेंदबाज शमी ने बताया कि जब उनका टीम में चयन हुआ था तब परंपरा के अनुसार पदार्पण वाले दिन उन्हें स्पीच देनी थी। 25 साल के तेज गेंदबाज शमी ने बताया कि जब उनका टीम में चयन हुआ था तब परंपरा के अनुसार पदार्पण वाले दिन उन्हें स्पीच देनी थी, इसलिए वो उस वक्त थोड़े नर्वस थे। उन्होंने तब कहा था कि मैं अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता था, इसलिए मैंने कहा मैं स्पीच हिंदी में दे पाऊंगा। तब सभी ने कहा तो इसमें क्या बात है। उन्होंने धोनी को लेकर बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी की बात है तो हमारे बीच पिता पुत्र जैसा रिश्ता है, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। शमी ने विराट और धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों की ही कप्तानी में टीम ने एकजुटता दिखाई है और टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के लिए खेलते हुए शमी ने अब तक 47 एक दिवसीय मैचों में 87 विकेट, 22 टेस्ट मैचों में 76 विकेट और 6 T20 मैचों में 6 विकेट अपने नाम किए हैं।